ये कोई हैकिंग तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर, जिसको लोग हैकिंग बताते हैं, लेकिन ये कोई हैकिंग नहीं है, ठीक है? ये एक ट्रिक है, और ट्रिक भी क्या है, ये एक कमांड है जिसके थ्रू आप हाइड कर सकते हो किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल को, तो हाइड कर सकते हो आप, आपको दिखेगी नहीं वो फाइल, तो बस यही वो ट्रिक है। तो यहां से अभी हम डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सी यूजर्स सूरज, फिर ये वन ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, इसके ऊपर हम जा रहे हैं, और हम यहाँ पर एट्रीब नाम का कमांड चलाएंगे। एट्रीब एक एक्सटर्नल कमांड है, तो लिखिए यहाँ पे AttrIB, आपको क्या लिखना है, एट्रीब, AttrIB। एट्रीब लिखने के बाद एक बार गैप देना है, ठीक है? और गैप देने के बाद क्या लिखना है, प्लस एस, फिर एक बार गैप देना है, फिर लिखना है प्लस एच, फिर एक बार गैप देना है, फिर लिखना है प्लस आर, फिर एक बार गैप देना है, और फिर यहां पर फोल्डर या फाइल का नाम। तो यहां पर फिलहाल हम कौन से फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं, यहाँ B8 वाला फोल्डर ये हाइड करना चाहते हैं ये, तो इस फोल्डर को हाइड करने के लिए यहाँ पे बी स्मॉल और ED कैपिटल में लिखना है आपको। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, बी स्मॉल और ED कैपिटल में लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो बस अब ये फोल्डर हाइड हो चुका है। कैसे पता हाइड है, तो चलिए आइए दिखाता हूं। यहां पर आपको B8 दिखाई दे रहा है, ये गायब हो गया, ठीक है? अब देखिए मैं आपको इसको जो है थोड़ा सा स्क्रीन जो है छोटा कर देता हूं यहां से, ताकि आपको दिखता भी रहे। यहीं पर वो फोल्डर आना है ना, तो अब आप फिर से वही कमांड टाइप कीजिए, AttrIB, गैप दीजिए, अब यहां पर लिखिए माइनस एस माइनस एच माइनस आर, और फिर वही B8 लिख दीजिए आप। अब देखिए एंटर करिए, यहां पे देखिए आपको कुछ दिखा, जो हाइट था वो वापस आ गया। फिर हाइड करना हो फिर यही कमांड आप चला सकते हैं, तो देखिए फिर हाइड हो जाएगा ये हाइड, और फिर लाना हो तो फिर वही कमांड, ठीक है? आई होप की बात समझ में आई होगी आपको कि ये कैसे करना है, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे शेयर कीजिएगा। देखिए ये फिर जो है वापिस आ जाएगा, तो यहां पे देख सकते हैं ये वापिस आ गया, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।